जन आक्रोश महोत्सव के तहत भारतीय जनता पार्टी जिला अजमेर ने भाजपा प्रदेशाध्यक्ष श्री सीपी जोशी के नेतृत्व में कलेक्ट्री का घेराव किया व प्रदर्शन किया। घेराव व प्रदर्शन से पहले एक आम सभा रखी गई, जिसमें अजमेर लोकसभा के यशस्वी लोकसभा सदस्य श्री भागीरथ चौधरी ने उद्बोधन देते हुए कहा कि यह अब सही समय आ गया है, हम सभी को मिलकर संघर्ष करना चाहिए और राजस्थान से कांग्रेस की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, हमारे नेता श्री नरेंद्र मोदी जी का प्रभाव न केवल भारत में है, अपितु पूरे विश्व में उनकी एक बड़े लीडर के रूप में छवि है। उन्हीं के नेतृत्व में हमारे राष्ट्र का नवनिर्माण हो रहा है। अजमेर देहात के अध्यक्ष श्री देवी शंकर भूतड़ा ने भी अपना ओजस्वी उद्बोधन देते हुए अशोक गहलोत की भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का आह्वान किया। कई जन प्रतिनिधियों के उद्बोधन के बाद प्रदेश अध्यक्ष श्री सीपी जोशी ने पार्टी की युवा शक्ति को नई ऊर्जा के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने अपने उद्बोधन में आगे कहा, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या 4.5 वर्षों में किसी किसान का कर्जा माफ हुआ क्या? किसी युवा को बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? आज ऐसी अकर्मण्य सरकार, वादा खिलाफी करने वाली सरकार, धोखा देने वाली सरकार जिस बुनियाद पर खड़ी हुई है, उस बुनियाद को नीचे से हटा दिया तो इसको 6 महीने के अंदर जिसने हमारे साथ धोखा दिया है, जिसने किसानों को धोखा दिया है, जिसने युवाओं को धोखा दिया है, गहलो साहब कान खोलकर सुनिए ना, राजस्थान की जनता और अजमेर की जनता ने भी तय कर लिया है, जो धोखा आपने दिया है कमर कस के बैठे हैं, ऐसा जवाब मिलेगा कि 50 वर्षों से कांग्रेस राजस्थान में कुछ नहीं कर। सभा के बाद रैली के रूप में करीब 10,000 भाजपा कार्यकर्ता कलेक्ट्री के लिए रवाना हुए। केकड़ी विधानसभा से भी काफी तादाद में भाजपा कार्यकर्ता आए। क्या कहते हैं केकड़ी भाजपा मंडल के अध्यक्ष श्री अनिल राठी। राजस्थान में कांग्रेस के कुशासन व जंगल राज के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी द्वारा यशस्वी प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी जी के नेतृत्व में आज अजमेर में जन आक्रोश महाघेराव में पूरे जिले से महाजन सैलाब उमड़ा है, जो इस बात का पक्का सबूत है कि ये कांग्रेस सरकार हर मोर्चे पर विफल साबित हुई है और इस कांग्रेस के राज में जनता का हर वर्ग, चाहे महिला हो, युवा हो, वृद्ध हो, सरकारी कर्मचारी हो, आज सभी त्रस्त है। और अभी जो ये राहत कैंप लगा रहे हैं वो जनता के लिए आहत कैंप साबित हो रहे हैं और आज जो ये उमड़ रहा भारी जन सैलाब इस बात की पक्की गारंटी दे रहा है कि 2023 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत से राजस्थान में काबिज होगी। कलेक्ट्री के बाहर कार्यकर्ताओं ने जोरदार नारेबाजी की और कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। करता है।